Dear learners, welcome to my channel A Patra Physics. 100% syllabus coverage ke saath full concept with real class note. You are now learners, not a reader only, not a single watcher. हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे, हम लोग को जो information है उसका हम knowledge में convert करने की कोशिश करेंगे. ये जितना series है इसमें सब का class note आपको मिल जाएगा. कैसे क्लास नोट मिल जाएगा हम आपको दिखा रहे हैं. इसमें देखिए एक वीडियो चल रहा है और विजुअली थोड़ा-थोड़ा करके तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखिए, फुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखिए, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ये जो पर्टिकुलर वीडियो इसका क्लास नोट. अब जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रियल क्लास नोट, हैंडरिटन क्लास नोट आपको मिल जाएगा. दिस वन हम लोग क्लिक किए तो आपको मिल जाएगा ये जो वीडियो है इसका क्लास नोट. Now you can download it. अभी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, देख देख लिख सकते हैं. दूसरा, फॉर द नेक्स्ट वीडियो हियर, इफ यू क्लिक हियर तो इमीडिएट जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा. इन दिस वे यू कैन गेट रियल क्लास नोट, हैंड रिटन क्लास नोट. और हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही हेल्प करेगा टू प्रिपेयर द एग्जाम. आज हम लोग एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेंगे ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज. ये कॉन्सेप्ट जो ओनली स्टैंडर्ड 12 के लिए जरूरत है ये बात नहीं है, 12 पास हो जाने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगा. अब जहाँ भी जाओगे व्हाट एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. ये फर्स्ट लेसन है स्टैंडर्ड 12 सिलेबस का. दैट फर्स्ट लेसन इज नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक. स्टैटिक मतलब व्हिच इज एट रेस्ट. द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. मतलब फिजिक्स का जो ब्रांच है जिसमें हम लोग जब चार्ज रेस्ट में है उसका रिलेटेड जो फील्ड, उसका पोटेंशियल, एनर्जी एसेट्रा एसेट्रा इस बारे में जहाँ डिस्कस होता है हम वो ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. सब कुछ कूलम्स लॉ पूछेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट बता देते हैं, दूसरा कोई लॉ पूछा जाए तो बता देते हैं, लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाए तो सब सोचने लगते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैसे डिफाइन करेंगे. नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है. कोई पार्टिकल चाहे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एसोसिएट होता है. जो प्रॉपर्टी रहने के चलते क्या होता है ना, इट कैन एग्जर्ट सम इलेक्ट्रिकल फोर्स और रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इवन मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप कोई पूछे तो बताओगे सर इट इज ए प्रॉपर्टी. चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एग्जर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स और रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इवन टू मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो. अभी टाइप्स ऑफ चार्जेस ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत दिन से जानते हैं. टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. These names were given by an American scientist Benjamin Franklin. ये positive मतलब कुछ ज्यादा होता है, negative मतलब कम होता है. तो ये जो positive negative का ऐसा मतलब historical है, ऐसा कोई खास बात उस time नहीं था. Benjamin Franklin नाम दिए थे तो positive negative, अभी भी हम लोग positive negative बोलते जा रहा हूँ, ऐसा कुछ खास बात नहीं है. दूसरा नाम भी दिया गया था लेकिन positive negative charge जो नाम है वो ज्यादा चालू हो गया, तो हम लोग अभी भी positive charge और negative charge. एक्चुअली उस टाइम ऐसा सोचा गया था जो चार्ज का फ्लो किधर हो रहा है ना, हायर टू लोअर, तो हायर को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, लोअर को नेगेटिव मानते थे. ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ था. जो भी इट इज कॉन्वेंशनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीज टू नेम्स आर कॉन्वेंशनल. ये बहुत कुछ साइंटिफिक बेस नहीं है, हिस्टोरिकल बेस है इसका. अभी जो चार्ज आता है कहाँ से, ये चार्ज आता है कहाँ से, कहीं से भी नहीं आता है. एवरी मैटर इन द यूनिवर्स कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस. ये हम लोग जान चुके हैं. जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो एटॉम के अंदर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इतना ही, जितना प्रोटॉन्स होता है इतना ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. तो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन के पास इतना ही पॉजिटिव चार्ज है. एज ए रिजल्ट दोनों इक्वल हो जाता है. विथ सच एन इक्वलिटी और बैलेंस ऑफ चार्ज the object is said to be electrically neutral, that is contains no net charge.
एक्चुअली सबको अंदर में चार्ज है, लेकिन चार्ज अनचार्ज मतलब जो मैं अनचार्ज बता रहा हूँ प्रैक्टिकली नेट चार्ज जीरो, लेकिन उसको अंदर में चार्ज नहीं है, बात नहीं है, चार्ज तो सबका अंदर में ही है, सबका अंदर में प्रोटोन से इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज होता है कैसे, मतलब कॉजेस ऑफ चार्जिंग क्या है? कॉजेस ऑफ चार्जिंग इट इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मेटेरियल टू अदर। अभी प्रोटोन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो जा नहीं सकता, तो मेटीरियल को जाना होगा, जो कुछ शिफ्टिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है तो एक डेफिशिएंसी होता है, कहीं भी एक्सेस हो जाता है। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं भी देखोगे, चाहे आयंस हो, चाहे कहीं भी देखोगे चार्ज की बात आएगा, इट इज ड्यू टू द शिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात है, जब पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया गया तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स का नाम पता भी नहीं था, बाद में इलेक्ट्रॉन्स आया है, पता चला इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन उस हिसाब से हम लोग बताएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज इट इज द डेफिशिएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटोन इन ए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन का डेफिशियंसी हो गया, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरा ऑब्जेक्ट के पास चला गया, तो वहां पर प्रोटोन ज्यादा हो गया, तो प्रोटोन से अगर प्रोटोन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाए, तो नेट चार्ज इसमें आ गया, दैट चार्ज इज अ पॉजिटिव वन। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए हम क्या बताएंगे, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटोन इन ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। जहां नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेटीरियल हुज वर्क फंक्शन इज लोअर टू द मेटीरियल हुज वर्क फंक्शन इज हायर। हम लोग बाद में देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात है, जैसे ग्लास एंड सिल्क दोनों राब किया जाता है तो एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो कोई एक बार बार पॉजिटिव होता है, कौन पॉजिटिव होगा बाद में एक सीरीज हम बात करेंगे, और कौन नेगेटिव होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना, वर्क फंक्शन में डिफरेंस है। वर्क फंक्शन आप लोग सुन चुके होंगे, व्हाट इज वर्क फंक्शन ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट और रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस ऑफ पर्टिकुलर दैट मैटर। डिफरेंट मैटर का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा ना वो इजीली नहीं छोड़ता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन छोड़ाने के लिए एनर्जी चाहिए। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक ना, हुज वर्क फंक्शन इज लोअर टू द मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज हायर, इस बारे में थोड़ा बाद में और बात करेंगे हम। तो व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग सब्सटेंस अगेंस्ट ईच अदर वी प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देम। ये जो जो फ्रिक्शन का अगेंस्ट में हम लोग जो वर्क डन करता हूँ, कुछ एनर्जी खर्चा होता है उसमें, वो जो एनर्जी है ना वो वर्क फंक्शन का सोर्स बन जाता है। मतलब वर्क फंक्शन चाहिए तो कौन एनर्जी देने वाला है, ये जो हम लोग राब कर रहा हूँ उसमें कुछ वर्क डन होता है, उस टाइम कुछ एनर्जी स्पेंड होता है, उसका एक पार्ट जो है ना इसमें यूज हो जाता है एज अ वर्क फंक्शन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस एंड ट्रांसफरिंग देम टू द अदर। अभी किसके साथ राब करने से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, बाई एक्सपेरिमेंट बाई ऑब्जर्वेशन ऐसा एक टेबल बनाया गया है, एक सीरीज बनाया गया है, ये सीरीज का नाम है फ्रीबो इलेक्ट्रिक सीरीज। व्हेन एनी टू ऑफ द सब्सटेंसेस इन द सीरीज, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ सीरीज देखिए यहाँ पर, ओकरिंग अर्लियर इन द सीरीज एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर ओकरिंग लेटर इन सीरीज एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अब सीरीज ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 करके इसमें 14 का नाम इसमें दिया हुआ है, दूसरा बुक में और ज्यादा नाम मिलता है आपको, ये सब ऑब्जर्वेशन आए एक्सपेरिमेंट आया है। इसमें कोई भी तो अगर मेटीरियल का अंदर में अगर मतलब राब किया जाए तो एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। सीरीज में जो पहले ऊपर में है मतलब सीरियल नंबर में जिसका आगे है नाम, वो पॉजिटिव हो जाता है, जो बाद में है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है, ग्लास एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज व्हेन रब्ड विद सिल्क। कैसे, ग्लास देखो यहाँ पर 4 नंबर में है, सिल्क कहाँ पर है, सिल्क 7th में है। तो अगर ग्लास और सिल्क में राब किया जाए तो सिल्क नेगेटिव होगा, ग्लास पॉजिटिव होगा। ये हम हजार बार राब करेंगे तो भी होगा। फिर ग्लास क्या ऑलवेज पॉजिटिव होते जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ग्लास का साथ थार का जब हम लोग फ्रिक्शन लेते हैं करते हैं तो क्या होता है ना, वो ग्लास हो जाता है तब नेगेटिव और थार हो जाता है पॉजिटिव। मतलब ग्लास जो पॉजिटिव ही होते जाएगा ऐसा मत सोचिए, ग्लास को भी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, वो किसके साथ राब किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली क्यों ऐसा है ना, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है, ग्लास और हम लोग सिल्क की बात करें तो ग्लास का वर्क फंक्शन कम होता है,
और सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसीलिए ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के पास जाएगा। अब फिर फार एंड ग्लास की हम बात सोचें तो फार का वर्क फंक्शन जो है ना कम है, ग्लास का ज्यादा है। तो अभी हम एक समझ सकते हो ये टेबल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन, दैट मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट सब्सटेंस। तो ये इसी हिसाब से वर्क फंक्शन हिसाब से बनाया गया। तो कोई भी दो हम जब ग्राफ करते हैं जो इसका नाम पहले आता है उसको वर्क फंक्शन ऑब्वियसली कम है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आसानी से निकल के ध्रुवक के पास जाता है, क्योंकि जहां से कम एनर्जी चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलते हैं तो ध्रुवक के पास जाते हैं। अभी बात होता है सर चार्ज किया गया है, पहले न्यूट्रल था अभी चार्ज कुछ आ गया है, उसमें कोई मास का क्या चेंज होगा? इसमें अगर ये बात किया जाए मास का चेंज होगा ना, यहाँ मास का भी चेंज होगा। क्यों मास का चेंज होगा ना? इसमें आपका देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ मास ऑन चार्जिंग, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट मास रिड्यूसेस स्लाइटली। अभी इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो हम उसको जीरो मान सकते हैं, जीरो तो है नहीं, कुछ तो मास ही है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, हाँ बहुत ही कम है लेकिन जीरो तो नहीं है। तो इसलिए जो प्लस होता है ना तो उसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है, इट्स मास रिड्यूसेस स्लाइटली। ऑन द अदर हैंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैज गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट मास इंक्रीजेस स्लाइटली। जब नेगेटिव हो जाता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, नेचुरली पहले से मास थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभी एक पार्ट हुआ है व्हाट इज चार्ज और चार्जिंग एक प्रोसेस की बात किए हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग किए हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक दूसरा नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी है, क्यों ना? शुरुआत हुआ था फ्रिक्शन से ही। अभी एक चार्ज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, चार्ज का डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो हमको जानकारी होना चाहिए और ये ईच एंड एवरी स्टेप में थ्रू आउट द होल सिलेबस ऑफ द स्टैंडर्ड 12 आपको जरूरत पड़ेगा, इवन इसके बाद भी आपको जरूरत पड़ेगा चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है, एक जीके टाइप का है, यू शुड ऑल नो दिस। अब इन फ्यूचर में भी चार्ज का प्रॉपर्टीज का आपको जरूरत पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी बहुत लोअर क्लास से आप जानते हैं, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो सभी अभी भी बात की है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है ना, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत ही लोअर क्लास से आप सुनते आ रहे हैं, जैसे दो प्लस के बीच में रिपल्शन होगा, दो माइनस के बीच में रिपल्शन होगा और ये दो प्लस का बीच में, एक प्लस और एक माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। एक बहुत ही फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहे इन इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइक चार्ज जो है ना, जो दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हो गया एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर चार्ज के वेक्टर ना स्केलर, ऑब्वियसली इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शंस, इट रिप्रेजेंट्स एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड another way it is also a derived quantity, it is not the fundamental. In electricity the current is the fundamental quantity and its unit ampere is the fundamental unit, but charge it is a derived quantity and the dimensions obviously a and t, a for ampere, t for the time. Number 4, charge is transferable. Charge, if a charged body is put in contact with another body then charge can be transferred to another body. मतलब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इट इज अनदर प्रॉपर्टी। मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर 5, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो ओनली चार्ज है, ये कभी सुने हैं ओनली चार्ज है, इट इज नॉट पॉसिबल। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई पार्टिकल का पास चार्ज होगा नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। एक्चुअली सब ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट का, सब पार्टिकल्स का, सब एटम्स का, सब का अंदर में चार्ज है, हम नेट चार्ज जीरो ही है मैक्सिमम का। तो चार्ज विदाउट नेट चार्ज मास तो हो ही सकता है, होता ही है चारों तरफ, लेकिन ऐसा है ओनली चार्ज है और मास नहीं है तो ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि ओनली चार्ज नहीं रह सकता है। चार्ज कोई एक प्रॉपर्टी है कोई पार्टिकल का, चाहे कोई मतलब मास के साथ ही चार्ज होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल उसके पास माइनस चार्ज है, प्रोटॉन्स एक पार्टिकल उसके पास माइनस चार्ज है, उसका मास भी है, उसका साथ चार्ज है। तो विदाउट मास वी कैन नॉट थिंक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ए क्वांटाइज्ड। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ओकर्स इन डिस्क्रीट अमाउंट इंस्टेड ऑफ कंटीन्यूअस अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपको याद रखना होगा फॉर योर एग्जामिनेशन।
मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, कुछ एक्सपेरिमेंट था मिलिगन वाइल्डग्राफ्स एक्सपेरिमेंट था और फैराडे भी एक एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, जो कोई एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है बट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट अमाउंट्स, एक कंटिन्यूअस चार्ज नहीं है जो एक सिंगल पीस ऑफ चार्ज है। द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ई, मतलब टोटल जो चार्ज है तो एक बेसिक मल्टीपल, जैसे ई ई होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहे प्रोटॉन का चार्ज ई स्मॉल ई, तो एनी अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू एनी इनटू ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही होता है। एन का वैल्यू जीरो हो सकता है, एन का वैल्यू प्लस माइनस वन, प्लस टू, माइनस टू, प्लस थ्री, माइनस थ्री एक्सेट्रा। अभी एक क्वांटाइजेशन कॉज क्या है, तो हम लोग थोड़ा पहले समझे जो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज द ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The basic cause of quantization of electric charge is that during rubbing only an integral number of electrons can be transferred from one body to another. Only integral number, ऐसा नहीं आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा आधा इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा, चाहे वन एंड हाफ इलेक्ट्रॉन गया है और बाकी नहीं किया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा वन, चाहे टू, चाहे थ्री, चाहे फोर फाइव, दैट मीन्स अब किसी पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा चाहे नेगेटिव चार्ज भी होगा, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल में होगा। लेकिन अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है, आप कभी भी सुने होंगे एक नाम है क्वार्क, एक क्वार्क थ्योरी है, एक रिसेंट डेवलपमेंट है। रिसेंट डिस्कवरीज हैव शोन दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, दीज न्यू पार्टिकल्स हैव चार्ज प्लस माइनस ई बाई थ्री एंड प्लस माइनस टू ई बाई थ्री, एक क्वार्क पार्टिकल का नाम आया, अप क्वार्क डाउन क्वार्क ऐसे टाइप नाम दिया जाता है, एंटी अप क्वार्क, एंटी डाउन क्वार्क एक्सेट्रा। तो उसमें बोला जा रहा है जो ई जो है ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वन थर्ड चाहे टू थर्ड ऐसा चार्ज है ये सबका पास, लेकिन ये जो पार्टिकल है ना अभी इसका फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं द चार्जेस आर नॉट टेकन एज एलिमेंटरी चार्जेस, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज व्हिच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज द ई ओनली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बट इवन वी कंसिडर क्वार्क एज एलिमेंटरी चार्ज पार्टिकल्स देयर विल बी, अगर उसके बावजूद भी बोले सर ठीक है मान लीजिए कभी हो ही जाए जब फ्री स्टेट में मिल रहा है पता चले, तो क्वांटम थ्योरी के क्वांटाइजेशन थ्योरी के क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। आप पहले हम लोग ई के मल्टीपल में बता रहे थे तो 1 बाई 3 के ई के मल्टीपल में बताएंगे, तो क्वांटम ऑफ द चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज ये जो है ये जो कॉन्सेप्ट का कोई वायलेशन उसमें नहीं होगा, थोड़ा रिफाइनमेंट हो सकता होगा लेकिन अभी तक हम लोग उसको नहीं ले रहा। अभी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, that is also important topics one. The total charge of an isolated system remains constant. The electric charge can neither be created nor destroyed. They can only be transferred from one body to another. Well, कोई भी process, that may be any physical process, that may be any chemical reaction or any nuclear reaction. The total amount of charge of an isolated system remains constant. मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फाउंड टू होल्ड गुड इन ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आइदर केमिकल दैट इज एटॉमिक रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन, नो एक्सेप्शंस टू बी रूल हैव बी एवर बीन फाउंड। अभी तक इसका एक्सेप्शन में कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ वैलिड नहीं हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाए, when a glass rod is rubbed with a silk cloth it develops positive charge, but at the same time the silk cloth develops an equal negative charge, thus the net charge of the glass rod and the silk cloth is zero as it was before rubbing. matlab rub karne se pehle bhi net charge zero tha, abhi ek mein jitna positive aur dusra mein jitna negative aaya hai barabar aa gaya to dono milkar phir zero hai, to dono mila diye phir zero ho bhi jayega, iska matlab ye jo positive negative charge aa gaya hai to uska creation nahi hua hai, टोटल पहले जीरो था अभी भी जीरो है। जैसे एक सॉल्यूशन मान लीजिए NaCl का, सॉल्यूशन से पहले NaCl था, फिर जब सॉल्यूशन हुआ Na+ Cl- हुआ, पहले भी जीरो था अभी भी Na के पास जितना प्लस चार्ज है क्लोरीन के पास इतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलकर टोटल चार्ज जीरो। नंबर थ्री, चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ एनी फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन कोई न्यूक्लियर रिएक्शन की बात किया जाए, जैसे यहाँ पर एक देखिए एक यूरेनियम 92-235 एक न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड किया गया तो बेरियम हुआ है, क्रिप्टन हुआ है, थ्री न्यूट्रॉन्स हुआ प्लस एनर्जी हुआ है। अभी बिफोर द फ्यूजन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था 92 प्लस 0 दैट इज 92 एंड आफ्टर दिस
there will be 56 plus 36 plus 3 into 0, that is 92. That means during this process, it is a nuclear reaction, new elements created here, new types of materials created here. But in this case also, there will be no destruction or creation of the electric charge, that means total amount of charge remains conserved. Number 6, electric charge is conserved during the phenomenon of pair production. A sun ke rakhiye pair production. A kuch experimental hai jahan par gamma ray se electrons aur positron ko banaya jata hai, pair production bola jata hai isko. To ek gamma ray se ek electrons plus ek positron, sufficient energetic gamma ray ka photons jo hai wo ek electrons aur positron mein convert hota hai. Positron hai kya cheez, positive electrons, that means iska jo charge electron ka barabar hota hai, positron ka मास भी बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, जितना नेगेटिव है इसके पास पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिट्रॉन बोला जाता है। तो पॉजिट्रॉन का पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास इतना नेगेटिव चार्ज है। पहले गामा रे एक फोटोन के पास क्या था, नेट चार्ज जीरो था। अभी गामा रे मेटेरियलाइज्ड हो गया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो भी टोटल चार्ज दोनों मिलाकर जीरो है, पहले जैसा था। अभी अनदर न्यू वर्ड फॉर यू, एनहिलेशन, एनहिलेशन ऑफ मैटर, ये न्यू टर्म है फॉर यू, थोड़ा सा सुनकर रखोगे, एग्जाम के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट इज वन फैक्ट। एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है ना, थोड़ा पहले हम बताते इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, एक दूसरे का एंटी पार्टिकल बोला जाता है। अभी दोनों एक साथ में मिल जाए तो दोनों मिल करके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब जो मैटर था मैटर ही नहीं रह गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इन दिस केस ऑल्सो, जो मैटर मैटर नहीं रह गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कैसे, इसमें क्या होता है ना, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो दोनों मिलाकर के दो गामा रे का फोटोन होता है, जो एक एक का एनर्जी होता है हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दिस प्रोसेस आल्सो इट इज अनदर प्रोसेस, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे, ये आपको मदद करेगा एग्जाम्पल्स। नाउ अनदर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चार्ज इज इनवेरियंट, मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डाइज नॉट चेंज व्हाट एवर बी इट्स स्पीड। इसका मतलब यही है, जो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, कोई कुछ भी स्पीड हो, चाहे रेस्ट में हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कोई चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट। अभी अनदर वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system. तो इसमें क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस मिला के जितना होगा, जैसे q1 q2 q3 q1 etc etc all the charges contains in a system, therefore net charge कितना होगा ना, q is equal to q1 plus q2 plus q3 algebraic sum। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, कोई एक सिस्टम में 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज, डायरेक्ट आप एल्जेब्रिक सम लीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, दैट इज द माइनस 2 माइक्रोकूलम। बहुत ही सिंपल है, एल्जेब्रिक सम है, नोन एज द एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। पर इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास थोड़ा बात किया जाए, थोड़ा बहुत, सब बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है, तो व्हिच इज द मोर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास और चार्ज ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन का मास भी चार्ज भी है, पर दोनों में से कौन ज्यादा अपना प्रॉपर्टी है, मास ना चार्ज, हम लोग बोलेंगे चार्ज इज द मोर इंट्रिंसिक। क्यों ना, मास जो है ना वो चेंज हो सकता है। एक एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक फॉर्मूला है, थोड़ा देखिए, एम इज इक्वल टू एम नॉट होल डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एम इज मास एंड दैट इज नोन एज द रिलेटिविस्टिक मास, एंड एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। तो एम नॉट रेस्ट मास, एम इज द रिलेटिविस्टिक मास। अभी देखो, अगर वी का वैल्यू सी का कंपेरेबल हो जाए तो हम ये जो टर्म वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑर्डिनरीली वी के वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एम नॉट डिवाइड बाई रूट ओवर 1, दैट इज द 1, दैट इज एम इज इक्वल टू एम नॉट। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज मूविंग विद ए वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन यू कैन नॉट नेग्लेक्ट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसमें 1 माइनस समथिंग दैट इज लेस देन 1, और रूट ओवर फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन से डिवाइड कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो मास इंक्रीज होता है। लेकिन उस टाइम में भी जो चार्ज है वो इतना ही रह जाता है, बट द चार्ज कैरीड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या बोलेंगे, मास से ज्यादा इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी चार्ज,
मास चेंज तो भी हो सकता है लेकिन चार्ज कोई पार्टिकल का चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी में भी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मास क्या होता है, ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। चार्ज क्वांटाइज, लेकिन मास बारे में अभी तक क्वांटाइज एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो उसके बाद फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स में भी अट्रैक्टिव में भी नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, लेकिन दो मास के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद आप फिर कुछ प्रॉपर्टीज है जो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम, कौन मीडियम में रखा हुआ है। लेकिन आपका मास का बीच में जो दोनों मास के बीच में अगर फोर्स है, कौन मीडियम में रखा है, उसको डिपेंड नहीं है। ऐसे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाएगा आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग एक क्वेश्चन अगर कोई पूछते हैं तो व्हिच वन इज द मोर इंटेलिजेंट मास और चार्ज, हम बताएंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज का चेंज नहीं होता, मास चेंज हो सकता है ना। हम लोग लास्ट में एक बात करेंगे जो थोड़ा सा एक जीस्ट है, एक जरूरत पड़ेगा इन फ्यूचर लाइफ में भी जरूरत पड़ेगा। बोले एक्सीलरेटरी चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, ये सुनते रहोगे बाद में सुनोगे, लेकिन हम अभी इसका डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर वन, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है दैट मीन उसका वेलोसिटी जीरो, तो उसका चारों तरफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। जब रेस्ट में है तो उसका चारों तरफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मोशन में है, देख लीजिए अभी रेस्ट में था ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चारों तरफ होगा, साथ साथ मतलब भी कांस्टेंट जब होगा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर थ्री, व्हेन एनी चार्ज क्यू इज इन एक्सीलरेटेड मोशन, दैट मीन्स वी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वी की इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस नंबर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलता रहेगा। तो चार्ज रेस्ट में हो, चाहे चार्ज मोशन में हो, चाहे चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में हो, इन ऑल केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस। लेकिन जब मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस, जब एक्सीलरेटेड मोशन में होगा उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करते रहेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इसको आप याद रखोगे। तो आज जो है मेरा जो है ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसका नीचे जो लिंक है आप उसको क्लिक कीजिए, मिल जाएगा। इसका क्लास नोट के लिए भी लिंक दिया गया, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा।